एक बहरे काला कलर की लुगाई पहने पड़ी। अब एक क्रम है, काली मिले गोरी मिले। तो एक दिन पतिदेव रे फंक्शन में जानो और घरवाली साथे ले जावनी। आप पतिदेव घरवाली ने आदेश दियो, देवी जल्दी तैयार हो जाओ। देवी की अभी हुई, देवी फटाफट आपरे मेकअप करियो। अबे काला कलर री लुगाई, काली इतनी काली के स्पीकर रो कलर और देवी रो कलर एक जड़ो। अबे लाल कलर री ड्रेस पहरी। अबे आप होच लो कि काला कलर री लुगाई लाल कलर री ड्रेस पहरेला रेड एंड व्हाइट सिगरेट री एडवर्टाइज। अब पतिदेव आदेश दियो, देवी तैयार हुई कि हाँ हो गई। जल्दी सुबह आई और बारे आवते बोली पतिदेव ने, पतिदेव मैं कैडी लागू क्या? देवी बहुत सुंदर। अबे वो तो कटे जाए बापड़ो, विराम पड़े तो है। क्या? नहीं नहीं सही बताओ मैं कैडी लागू। अरे बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। नहीं सही बताओ मैं कैडी लागू। घर वालों रिसा बलियो और बोलियो के देवी तू एडी लागे जोने कोयलारी खोण में आग लागोड़ी बैजी देखी जे। एक भाई काला कलर रो और कालो इतरो के गोगो जी माय वड़े। अबे भाई रो व्याह हुओ और व्यावरे बाद में हाऊ जी एड़ा मड़िया के भाई ने एक मिनट हावराम दी रेवन दे। छह सात दिनों यदि भाई हावरे जाए तो हासू जी कहे मैं थोड़े हमी गाड़ी भेज दूं, मारी बेटी ने भेज दूं, पर जमाई सा आप अटे नहीं रोक सको। काफी दिन वे गया, 12 महीना वे गया, 2 साल वे गया। अचानक एक दिन आपरे सासू जी रो फोन आयो। जमाई सा विचार की दो, हासू जी पहली बार फोन उठायो। सासू जी खम्मा गणी मुजरो, क्यों ठीक है जमाई सा जीवता रहो, सासरे नहीं पधारो। के सासरे का ही आऊं सासू जी, मारे बहुत कम है। क्या नहीं है, अब तो आपने आवनो ही जावनो पड़ेला। अब जमाई सा हावरे पधारिया तो तैयारी कुछ नहीं, क्योंकि जमाई सा ध्यान है कि सासरे जातो ही सासू जी रवाने कर देला। अब सासू जी जमाई सा ने कहवा लगा, जमाई सा आपने रात रुकनो है, आराम ती रहो है, वो आपरे वास्ते स्पेशल रूम है। अब जमाई सा आपरे रात भर रुकिया, सुबह रवाना हुआ, फिर सासू जी आडा बढ़िया, क्यों जमाई सा आप नहीं पधार सको? कह सासू जी मारे कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है तो हाड़ा जीरा कपड़ा पहन लो, बाकी आपने रुकनो पड़ेला। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गया। अबे जमाई सा ने कोई वहम पड़ गयो कि हासू जी रे डाड में कालो है, पहली बार 3 साल में और 15 दिन क्यों रोके रिया? तब छोटा छोटा टाबरिया जो जमाई सा रे नजदीक आया और टाबरियों ने पूछियो, बेटा आपरा माता जी आपरा दादी जी मोने जबरदस्ती क्यों रोके रिया पहली बार? क्यों जीजा जी बहुत बड़ो राज है। क्यों कैडो राज है? चलो बताओ मैं आपने पैसा दूला। के राज वो है कि जीजा जी मोरे भैंस भी आई, भैंस रे ब्याह तो पाड़ियो खत्म बेगियो, जो आपने बतावे बतावे इन भैंस ने दो बार कौम ले रिया, इन वास्ते आपने रोके रिया है। नमस्कार, आप सुनियो वेला कि अक्सर ज्यादा बोलनो भी दुखदाई है और ज्यादा मौन रहनो भी दुखदाई है। ज्यादा मौन रहवा सु जीभ जाड़ी पड़े और ज्यादा बोलवा सु लड़ाइयों पैदा हुए। मारवाड़ी में कहवत है कि हसिया सो फसिया। एक काको भतीज आपस में बड़ो गहरो प्रेम, भतीज काका सु बहुत लगाव करे, बहुत प्रेम करे, बहुत प्यार करे, लेकिन भतीजा रे बोलवारी बहुत ज्यादा आदत। एक बार काको जी बम्बई रवाने वे गया, भतीज के काका जी मैं साथे आलू के नहीं भतीज वो बॉम्बे है, वो महानगर है और वटे थारी जरूरत नहीं है। क्यों काका जी प्रॉब्लम कोई है? प्रॉब्लम आए कि तू बहुत ज्यादा बोले और ज्यादा बोले ला तो बम्बोई है, वटे लोग बहुत बदमाश हुए। के नहीं काका जी आप जो भी कोला श्वास भी नहीं लो, आप कहो तो बोलूला अनिता नहीं बोलूला, पर मैंने आप हाथे ले जाओ। क्यों ठीक है चल। दो जना रेलवे स्टेशन उतरिया बॉम्बे सेंट्रल, सामने बड़ी बड़ी होटलों हैं आप देखी भी वेला, और होटल में मैं रिसेप्शन कक्ष में गया, वेलकम कक्ष, सामने लिखियोड़ो पूछताछ के लिए। पूछियो पैसा रूम मिलेगा? कि हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। नौकर ने बुलाया, चलो सेठ जी को रूम दिखा दो। भतीज नीचे बैठो, काको जी ऊपर जावा लगा। भतीजन के देख ले मैं ऊपर जा रही हो, रूम देके ना रही हो, लेकिन तू बोल जे मत के मैं तो हाई नहीं लू। अबे काको जी ज्यू लिफ्ट रे साइड में जावा लगा और भतीजो खड़ो हुओ रिसेप्शन कक्ष में कुर्सी पर बैठोड़ी, एक लड़की ने पूछवा लगो, मैडम आपका नाम क्या है? मैडम रो दिमाग खराब हुआ, क्यों आपको क्या मतलब है, बैठ जाइए आप। क्या नहीं वैसे पूछ रहा हूं। अरे बैठिए ना, बोला आपको बैठ जाओ।
कि नहीं नहीं पूछ रहा हूं मैडम, गुच्छा क्यों कर रही हो, नाराज क्यों हो रही है, मैं तो आपको पूछ रहा हूं, मेरा नाम है उषा निशा जो भी, ठीक है भतीज फिर बैठो, एक सेकंड पास उठियो, मैडम आपकी उम्र क्या है, आपको क्या मतलब, बोला ना एक बार बैठ जाओ वरना होटल से बाहर कर दूंगी, अरे मैडम आप नाराज क्यों हो रहे, मैं तो आपको पूछ रहा हूं, चलो ठीक है मेरी उम्र है 22 साल, ठीक बात है, फिर बैठो फिर खड़ो हो गयो, मैडम शादी हो गई क्या आपकी, मैडम रो दिमाग खराब है गयो, एडी रो हड़ाको छोटी आई हो, क्या पागल है इडियट गेट आउट, क्यों आप नाराज मत हो मैडम, मैं तो आपने पूछ रही हूं, आप क्यों नाराज हो रही हो, खाली बताना है क्या, नहीं मेरी शादी नहीं हुई, तो आपरे वास्ते कोई लड़को देखो कोई, अब मैडम इतनी गर्म बेगी जितने काको जी आई गया, नहीं आपके लिए होटल नहीं है बाहर जाइए, कोई रूम नहीं है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बाहर निकलिए, काको जी क्यों भतीजा कोई मुड़ा भैया कैसा, मैं तो बोलियो नहीं, वो तो होमे लिखियो हुए कि पूछताछ के लिए अण वास्ते मैं तो पूछ रही हूं बार बार। मारवाड़ी में कहवत है 12 कोसा बोली पलटे और फल पलटे पाकं, और बुढ़ापा में केस पलटे पड़े लकड़नी पलटे लाखों, अन प्रकार सु एक औरत रे लकड़ पड़ गया और लकड़ ऐड़ा पड़ गया कि हड़की हड़की छोरियों करवा लगा, और बाई जी रे पीर में भतीजारो व्याह आयो, भतीजारो व्याह आयो, बुआ जी नहीं आवे तो व्याह नहीं वे, बुआ जी व्याह ने बुलाया, अबे बुआ जी रा लकड़ छोरियों करवा रहा, पर सोरी करें कोई एटीएम नहीं तोड़े, कोई करे कोई खावा पीवारी आइटम है, व्याह शादियों में जाए फंक्शन में जाए, जो गुलाब जामुन काजू कितली एड़ा रहा धीरे धीरे कोतलियों भरे बुआ जी घरे लावे, भतीजो ने पक्का था कि बुआ जी रा लकड़ बोदा गणाए, ठीक है ओपरे घर में तो जो भी है ने लावला, लेकिन अगर बुआ जी जौन में हाथे आ लिया, अगर बुआ जी बरात में हाथे आ लिया तो बटे गना तो हम धूड़ परी उड़ेला। एक दो दिन वो बरात रवाने वेगी और बुआ जी हैंगो पहली जाए ट्रैक्टरी ट्रॉली में गम देन बैठ गया, भतीजा यारे बुआ जी आप हिन जाओ कि मैं जौन आलू मारा भतीजा ने पढ़ाओ, क्यों नहीं बटे आप रो कौम नहीं है, आप तो साबियों कुण हबाले घर री बुआ जी, घरे सारी जोकम पड़िए इन वास्ते आपने घर हम्बालनो पड़ेला, बुआ जी के मरिए ही नहीं रोला मैं बरात में आलू, चलो ठीक है अबे मरे तरे इन बुआ जी ने हाथे लीदा, आप भतीजा की ओर पूरा ध्यान राखनो, कटी बुआ जी हाथ परो खड़ियो तो नाक परो वडावी, अबे बरात जीव पूगी, बींद बींदनी फेरा खाई रिया, बराती लोग भोजन करे रिया, अबे छोकरा ध्यान राखे के बुआ जी कटे हाथ खड़ेला, पुराना जमाना में विशेष कोई मिठाइयां नहीं थी, दोस्त यार मिठाइयां थी, नगती ने सकिया ने मालूपा ने गेवर ने ए मिठाइयां, अबे बुआ जी जी में रिया है, बुआ जी कोई स्कीम की थी के गुजियो गागरारे अत्रो मोटो कराइयो के किलो भरी नुक्ति माए आवे, अबे बुआ जी भोजन करता जाए और जियो नुक्ती रे प्लेट रे कने जाए तो जेब रे माए नुक्ती गालवा लगा, किलो भर नुक्ती रो स्टोक करियो जेब होटो भर दियो, अबे बुआ जी भोजन करें बारे आया जितरे बींद बींदनी भी सवरी सुनी से आया, अबे जियो सवरी बींद नीचो आवे तो लुगाइयो नासवा लागी, ढोल बाजे रियो, अबे बुआ जी रे जेब भरियोड़ो पड़ी का पैक की दौड़ो मुड़ा हुदी, जियो ढोल बाजी उनके बुआ जी जोश आयो, बुआ जी के चलो ए हटो मैं नासो, कड़े क्यों बुआ जी थे गम खाओ जेब खबीड़ी ओड़ो एन धूड़ परी उड़ा वाला, नहीं के मैं नासू, अबे जियो ढोल बाजवा लगो डेंग तोक, तो बुआ जी डेंग तोक, तो डेंग तोक, अबे जियो बुआ जी घूमर लियन के जेब माओ नुकसी हड़र बाबा वे डेंग तोक के बुआ जी के डेंग तोक के नुकसी हड़र, अरे बुआ जी के भतीजे इशारो किधर धूड़ उड़े रही है बुआ जी बुआ जी, अबे बुआ जी नुकसी देखी अबे नाश्ता जाए डेंग, तो बुआ जी के लकड़ पड़िया भाई लकड़ पड़िया लकड़ पड़िया भाई। मारो प्रिया से आप लोगों ने हसावना क्यों कि क्या पता कल तेरी आँख खुले या ना खुले, कोई गारंटी नहीं है, हसो और हसाओ लेकिन इतरो भी नहीं हसनो के पेट दुखना आ जाए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारा लोग पैदा हुए बहुत सारा लोग मर जाए लेकिन दुनिया में हंसे ने हंसावे वो दुनिया में अमर हो जाए। किन प्रकार तो एक पुलिस वाला भाई साहब कोई रोडवेज बस में सफर करे रिया, अबे रोडवेज बस में बहुत सारी भीड़ वे सीढ़िया घर वे जीव लागे, अबे पुलिस वाला भाई साहब सीट पर बैठा है बस आगे की, बहुत बड़ो स्टेशन आयो डिपो में गाड़ी रुकी और ड्राइवर कंडक्टर चाय पीवार वास्ते गया, तो पुलिस वाला भाई साहब देखियो कि मैं भी चाय पी लूँ 10 मिनट रो होल्ड है गाड़ी रो, अब भाई साहब देखियो मैं उतरू
पर सीट माते कोई बैठ जाए, और मारवाड़ में सीधो सिस्टम है, अगर सीट छावे सीट रुकवालनी है तो उन जगह कोई आइटम मिलनी, टोपी रूमाल थैली एनी आऊ कोई भी। पुलिस वाले भाई साहब ने याद आ गयो कि मारे सर पे टोपी है, टोपी सीट माते रखी, आप चाय पीवाने होटल पर गया। दस एक मिनटू एक बूढ़ी लुगाई आई, और लुगाई आवते ही वह सीट पर जो टोपी राखी उड़ी, टोपी जाली में राख दी ऊपर थैली मेलवा वाली जाली में, और लुगाई बैठी आराम उन्नाई का ले रही है। जी बस रवाना हुई हॉर्न बाजी, उन्हें पुलिस वाला भाई साहब आ गया के बुढ़ी खड़ी हो जा। डोगरी बोली क्यों भाई, क्यों का सीट मारी है? डोगरी बोली सीट थारी की करे, थारे कोई रिजर्वेशन कोर्स है, सीट पर थारो नाम मोडियो है? कह नहीं नहीं सीट मारी है। डोगरी कह सीट आखिर थारी हो की कर? के मारी सीट यो हुई के मैन सीट माते टोपी मिली है। डोकरी के भाई टोपी तो थू काले मारे माते मेल दी, जो मुंह ही थारी भेजा कोई भाई। नमस्कार। एक भाई सुबह सुबह अपनी मारुति वैन गाड़ी ली दी और रेलवे स्टेशन जा रही हो, कुछ पार्सल आवा वाला थो। अबे जो रेलवे स्टेशन पुगवान लागो सोरायो आयो, सोराया पर कस्टम अधिकारी खड़ा था। कस्टम अधिकारी अपनी बिसल बजाई, ए भाई गाड़ी रोक दे साइड में। गाड़ी रोक दी। सर जी नमस्कार, कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन, एक पार्सल आ रही हो, पार्सल लेवा जा रही हो। चलो लाइसेंस दिखा गाड़ी का। भाई मन में विचार की दो, कस्टम अधिकारी और लाइसेंस तो कोई लेन देन? बोलियो साहब लाइसेंस घरे पड़ी हो। क्यों भाई, गाड़ी रोड पे लाइसेंस घर पे, तेरे बाप का राज है क्या? अरे साहब गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं कोई नहीं चलेगा, लाइसेंस नहीं है, चलो आरसी बुक दिखाओ। क्या आरसी बुक भी घरे है साहब? आरसी बुक भी घर पे है, लाइसेंस भी घर पे। चलो ठीक है, एक काम कर 200 रुपये निकाल। ओके साहब, पैया भी घरे रह गया, मैं तो नाइट ड्रेस में आई हूँ, पैसे भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, आरसी बुक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक काम कर एक बीड़ी पिला दे। बोलियो साहब बीड़ी मोह नहीं पीतो। बीड़ी नहीं पिए? चलो शंकर साहब खिला दे। के साहब शंकर साहब भी नहीं खाई रही हो? अबे वो अधिकारी बहुत गर्म हुआ और क्या वाला गो, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, पैसे भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, आरसी बुक भी नहीं है, और गाड़ी रोड पे, ये क्या राज तेरे घर का है? के साहब मने माफ कर दो। नहीं कुछ भी नहीं चलेगा। के साहब कुछ भी है? ओ कस्टम अधिकारी नेड़ो आयो, और नेड़ो आवे देखियो भाई रे माता में तेल लागोड़ो तो जोर ती हाथ घसिया, और हाथ घसे मुसोरे सोपड़िया, चल लुका कुछ भी नहीं रखता है। एक सुटकला आप अक्सर सुनियो वेला, और सुटकला विंडो नाम है सुटकला मनोरंजन, केवल मनोरंजन नहीं, मनोरंजन रे हाथे कुछ शिक्षा प्रद भी वेना चाहिए। तो एक सुटकला अक्सर मैं जागरण में बोला करूं। स्टाफ, स्टाफ मतलब श्रोता और वक्ता, स्टाफ मतलब नौकर और सेठ, स्टाफ मतलब कृषक और उसका लेबर। एक भिखारी कोई रोडवेज बस में सफर करे रही हो, रोडवेज बस में बैठो, कंडक्टर आइयो, भाई साहब टिकट दो टिकट। कहाँ जा रहे हो? भिखारी बोलियो स्टाफ हो। कंडक्टर देखियो मूडो भमियोड़ो गाभोरा पता नहीं है, सिविल वर्दी में कड़ो स्टाफ है। पूछियो कटो रोडवेज में खलासी लागोड़ा हो? क्यों ना ना स्टाफ हो। क्यों कैडा स्टाफ हो, कंडक्टर हो के ड्राइवर हो? वो बोलियो स्टाफ हूं। पर स्टाफ कटे कौन सा डिपा में लागोड़ो? तब भिखारी बोलियो के डिपाई पर मन ध्यान नहीं है, धंधो थारे मारे एक है, थू मांगे रही हो बस में और मैं मांगे रही हूं बाजार में। अब मुख्य बात, मेरा संदेश अंडरलाइन पॉइंट, प्रेम। प्रेम मतलब लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। कम से कम प्रेम समाज में नहीं रख सको कोई बात नहीं, गांव में नहीं रख सको कोई बात नहीं, गली में नहीं रखो कोई बात नहीं, कम से कम घर और परिवार में प्रेम रहला तो भगवान रे दरबार में आपरो ठिकानो रहला। एक छोटो नाड़को, नाड़को मतलब छोटी तलावड़ी, और तलावड़ी रे माए 15-20 छोटा छोटा मेंढक डेढ़ का, और डेढ़ को रे आदत हुए बार बार बोलो ड्रा 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 बोलते ही रहे, बारिश रहा टाइम में बहुत ज्यादा बोले। अब वन नाड़को रे बीच में, उन डेढ़ को रे बीच में एक बहुत बड़ी भाड़ रहती, भाड़ मतलब मेंढकोरी माँ बहुत बड़ी, और वहां कदीक बोले आप देखे वाला बारिश रहा टाइम में एक दो बार बोला ड्रा ड्रा। अबे वह भाड़ बोले नहीं और डेढ़ का बार बार ड्रा ड्रा करता रहे, भाड़ बोली ए भाई ये डिस्टर्ब नहीं मेरे ऑफिस का काम है।
डेढ़ का कह बुआ जी ठीक है मोरे आदत है और माफ करो मने बोलवा दो। फिर डेढ़ का डरा डरा करे बाढ़ डिस्टर्ब होगी बाढ़ के ए भाई या तो बोलना बंद कर दो नहीं तो कल थोड़ो खात्मो है के चलो आपरी वेज को कर दीजो। अबे बाढ़ निकली नाडा माऊ बारे और सीधी हम एक बाढ़ थी बाढ़ रे माए बहुत बड़ो कालिंदार गोगो जी रहता नाग और नागू मिली सर जी नमस्कार। नाग बोलिया नमस्कार। बोलिए क्या आदेश है? कहते कोई कर रही आप? के बहुत मस्ती ले रहा हूं और छोटा छोटा उंदरिया हाथों पड़े जनोरा पैकेट बुलाऊ और तो कोई करो के आप मारे साथ आलो बहुत बढ़िया सुंदर भोजन कराऊं और उंदरों में कोई खाड़ो उंदरा ही पूछ तो अतरी लंबी वे कि आधा पेट में डिस्टर्ब करे आप नूडल्स खाओ ने उंदरा खाओ बराबर है मारे हाथे आलो। चलो ठीक है नाग लहरा लेतो लेतो नाडा मालियो और नाडा रे मैं जीव कोनी कोनी पर आप देखे आलो बहुत सारा डेढ़ का बैठा था। अलगासू निरीक्षण कराइयो के नाग देवता ए देख लो हमें जो डेढ़ का बैठा सब कालो अटारो पूरा प्रशासन अधिकारी मैं हूं। ठीक है नाग जीव पौनी में घुसियो नाग आप देखियो बोला पौनी पर तरतो रे पौनी पर तरे रियो और मेंढक इतना सालाक वे जीव वो नाग आपरे मुडा में पकड़वारो प्रयास करे के डेढ़ को पौनी में जाए पौनी थी मुडो भरी जे घंटों पर प्रयास की दो नाग पूरा पौनी थी फुटबॉल वे जीव भरीज गयो डेढ़ को एक मुडा में नहीं आयो। अबे देखियो रे फोड़ा पड़ गया बारे की कर निकलनो नाग आधो बारे गयो और भाड़ ने इशारो की दो के भाड़ जी थोड़ो मने सारो दो ताकि मैं बारे जाऊं क्यों कितना ही खादा के आदरो कौम लीदरो बस काले काले प्लेटफॉर्म साफ पे जाला। अबे डबाड़ पूछ रहे और थोड़ो सारो दीदो नाग आदो बारे जाए और पूछ रो ऑटो देने भाड़ ने सीधी मुड़ा में पकड़ी। भाड़ बोली अरे भाई साहब ओ कोई कर रिया हो? तब नाग बोलियो के मैं करू कोई मैं तो सुबेरो भूको हूं मेंढक एक भी मुड़ा में नहीं आयो हो तो पूरा पानी जो भरी जियो। तब वह भाड़ मरतो टेम बोली के भाड़ की दी भायाली और कर कुटुंब से रोस ए आते की दा कोमड़ा बे कन्ने दीजे दोस।